आईकू नियो 6, नियो मतलब नया, नया क्या है इस फोन के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये है हमारी फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ द आईकू नियो 6। गेमिंग के ऊपर फोकस है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिलता है, मिड रेंज अराउंड 30,000 के आसपास इसका प्राइस पॉइंट रहने वाला है। गेमिंग पे फोकस है, जैसा मैंने पहले बताया, इस वीडियो के अंदर गेमिंग की ज्यादा बात करेंगे और गेमिंग के आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाऊंगा BGMI खेल के। मैं हूं गुनाक त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक, जानते हैं ऑल अबाउट द आईकू नियो 6। तो डिजाइन की अगर मैं बात करूं, दो अलग कलर्स में फोन आता है, पॉलीकार्बोनेट की बैक है एंड जो ओवरऑल फील है, इनहैंड फील है फोन की डिवाइस को जैसे ही मैंने अनबॉक्स किया। बाय द वे, अनबॉक्सिंग की एक रील हमने ऑलरेडी जागरण हाईटेक पे डाली है, तो उसको जाके भी आप देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, जो इनहैंड फील है फ़ोन की वो डिसेंट है, काफ़ी डिसेंट से तो बेटर ही है, इनफैक्ट काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी लाइट वेट फील होता है। तो अगर लंबे टाइम तक इस पर अगर आपको गेमिंग करनी है तो वहाँ पर ये आपको बिल्कुल हैंडी पड़ने वाला है। एंड जो इसके अंदर डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। पबजी के अंदर, BGMI के अंदर आप अल्ट्रा और एक्सट्रीम के अंदर गेम खेल सकते हैं, जो कि काफ़ी कमेंडेबल है इस प्राइस पॉइंट पे। बहुत कम फोन्स के अंदर इस सेटिंग्स में आप ये चीज़ खेल सकते हैं। एंड गेमर्स के लिए डिस्प्ले के अंदर जो टच सैम्पलिंग रेट है वो भी काफ़ी हाई है, जो फ़ोन की पीक ब्राइटनेस है दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो आप अगर आउटडोर गेमिंग करना चाहते हैं या आउटडोर अपने फ़ोन की डिस्प्ले को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। गेमिंग के पर्सपेक्टिव से डिस्प्ले इज़ गुड, जो आपका सैम्पल रिफ्रेश रेट है वो भी काफ़ी इम्प्रूवड है। HDR10 सपोर्ट करती है डिस्प्ले, E4 डिस्प्ले है, E3 AMOLED से बेटर E4 AMOLED होता है, क्योंकि 30% तक ज़्यादा आपको पावर कंजम्पशन एंड एफिशिएंसी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले की दो बातें और थी जो मुझे लगा मेरे को आपको बता देनी चाहिए। एंड जो इसकी पीक ब्राइटनेस है वो 1300 निट्स है, मतलब जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ब्राइट आउटडोर में बहुत आपको क्लियर इसके अंदर कॉन्टेंट दिख जाएगा। एंड 1200 हर्ट्ज़ की इंस्टेंट टच रिस्पॉन्स रेट जो है और 360 हर्ट्ज़ की टच रिपोर्ट रेट है, जो टच IC ऑफ द डिस्प्ले है वो 360 फ्रेम्स पर सेकेंड तक का डेटा कलेक्ट कर सकती है और 120 हर्ट्ज़ की ऑफकोर्स आपकी E4 सुपर AMOLED डिस्प्ले भी इसके अंदर मौजूद है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो चलिए फिर बात करते हैं परफॉर्मेंस की। इसके अंदर जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक मिड लेवल प्रोसेसर है, मिड लेवल परफॉर्मेंस से थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस भी देता है, कई फ्लैगशिप फोन्स को भी ये टक्कर दे सकता है। इनफैक्ट जो इसका एंटूटू स्कोर आया है 7 लाख से भी ऊपर है, विच इज़ वेरी इंक्रेडिबल। अगर मैं इसका रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन आपको बताऊं, मतलब इन सारे स्कोर्स का या प्रोसेसर के नाम का रियल लाइफ में क्या मतलब है, क्या ट्रांसलेशन है, तो आप अगर इसके अंदर गेमिंग करेंगे, अगर आप इसके अंदर मल्टीटास्किंग करेंगे तो कोई भी इश्यूज फ़ोन में नहीं आने वाले हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको एक और बात बताऊं इसके बारे में, तो इसके साथ आपको वर्चुअल रैम का भी फीचर मिल जाता है। तो अगर आपके फ़ोन में 12 GB रैम है तो आई थिंक 4 GB तक वो और एक्सपैंड हो जाती है, 6 GB तक और एक्सपैंड हो जाती है, सो आपको कभी भी रैम का शॉर्टेज इसमें नहीं होने वाला है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस फ़ोन के अंदर आपको मिलता है 2396 मिलीमीटर स्क्वायर का वेपर चेंबर, जो कि फ़ोन को ठंडा रखता है। ठंडा रखने की वजह से फ़ोन की जो एफिशिएंसी है CPU की और GPU की वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। तो गेमिंग अगर आप लंबे टाइम तक कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो गेमिंग करते हुए अगर आपको ईयरफोन्स या हेडफोन्स आपने नहीं पहने हैं तो ऑडियो की एकदम क्लियर इम्प्लीकेशन हो जाती है, कहाँ से कौन प्लेयर आ रहा है। अगर आपने BGMI खेला है तो ये बात आपको डेफिनेटली पता होगी कि ऑडियो का रोल बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता चलता है कि कौन सी तरफ से प्लेयर आपकी तरफ आ रहा है। अगर इसी के साथ एक और आपको बात बताऊं, तो इसके अंदर आपको एक्स एक्सिस की लीनियर मोटर देखने को मिलती है, जो 4D वाइब्रेशन का फीडबैक ऑफर करते हैं। बेसिकली अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, BGMI खेल रहे हैं, तो उसके अंदर इसका काफ़ी सारा बेनिफिट है। ये जो एक्स एक्सिस की लीनियर मोटर होती है ये एक बेटर और इम्प्रूव्ड मोटर है कंपेयर टू द प्रीवियस मोटर। बहुत हुई बात, अब मैं आपको सीधा गेम ही खेल कर दिखाता हूँ। तो चलिए फिर एक दूसरे सेटअप में आपको लेकर जाता हूँ और वहाँ पे आपको क्विकली इसके अंदर कुछ BGMI का गेम प्ले खेल कर दिखाते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ सेटिंग्स के अंदर
आप इसमें कौन से फ्रेम रेट पे HDMI खेल सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आप यहाँ अल्ट्रा HD तक आप यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं और हाई के अलावा फ्रेम रेट को आप अल्ट्रा तक ला सकते हैं। USD कमिंग सून लिखा रहा है। तो चलिए फिर फटाफट से आपको एक हल्की सी गेम खेल के दिखाता हूँ BGMI की। इतना कोई मैं एक्सपर्ट प्लेयर नहीं हूँ, हूँ मैं एक एमेच्योर या एक रुकी प्लेयर ही, तो गेमिंग भी उसी तरीके की जाएगी, देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी आती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो मैं प्लेन के अंदर हूं पबजी के, और यहां पे ऊपर आईकू का एक कोई गेमिंग टूर्नामेंट होने वाला है, उसकी ब्रांडिंग वहां पे हमको दिखी थी। सो ऑफ कोर्स काफ़ी आईकू के फ़ोन के अंदर हम टेस्ट कर रहे हैं और आईकू की गेमिंग बैनर दिख गया। काफ़ी सारे लोग, किसी ने भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं। और अब हम चलते हैं अंदर कुछ चीज़ें उठाने के लिए। एक मिशर्ट हाथ लगाए, कोई गन तो हाथ नहीं लगी है। लेवल 1 बैकपैक आ गया है। एंड ऊपर चढ़ना है। लेवल 2 हेलमेट, P92 गन मिल गई है यहाँ पे, सॉरी पिस्टल मिल गई है। कुछ उड़ा दें। ओ शिट, अपनी हेल्थ आधी कर ली, लेकिन जो ओवरऑल फील अभी तक आ रही है फ़ोन से, नॉट बैड एट ऑल। जो ओवरऑल फ्रेम रेट्स हैं, काफ़ी अच्छे से रोटेट कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। एंड जैसा मैंने पहले बताया था, मैं कोई एक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितनी गेमिंग एक एमेच्योर या एक रुकी कर सकता है, उस लड़की गेमिंग मैं करता हूँ। तो हियर यू गो, स्मोक ग्रेनेड एंड वेस्ट लिया मैंने। ये ओ मिस फायर, नहीं एक्चुअल फायर आ रहा है। फायर 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 इन द होल। कहाँ से फायर आया, कहाँ से फायर आया, लगता है कोई बॉट हम पे फायर कर रहा है। ओ शिट, और मैं यहाँ नॉक हो गया हूँ। क्या मेरी टीम में मुझे जा पाएंगे, बहुत ही मुश्किल। तो ये था एक बहुत ही क्विक डिफीट BGMI के अंदर। ओवरऑल एक्सपीरियंस डिसेंट रहा है, फ़ोन बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ है। अगर मैं 10 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली अभी खेली हो, आप लोगों से ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, बहुत ही क्विक और फर्स्ट इंप्रेशंस है। तो गेमिंग के ऊपर नियो 6 के अंदर और बात भी की जाएगी ये, लेकिन कुछ छोटी सी डिटेल थी BGMI की। ओवरऑल एक्सपीरियंस डिसेंट है, जो वेरी अर्ली एक्सपीरियंस है। जब हम इसका फुल रिव्यू करेंगे, उसके अंदर हम और डिटेल में बात करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ग्राफिक्स आप फिर से देख सकते हैं हम कौन से मोड में खेल रहे हैं, UHD और अल्ट्रा के अंदर। एंड जो आउटपुट है वो काफ़ी डिसेंट और अच्छी आई। सो 120Hz की जो इसकी रिफ्रेश रेट है, साथ में जो इसका टच सैम्पलिंग रेट है जो और बेटर है, वो सब यहाँ पे अच्छे से वर्क किया। कोई लैग इतना मेजर मेरे को फील नहीं हुआ। एंड आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, आई एम इम्प्रेस्ड, बट दीज आर वेरी अर्ली इम्प्रेशंस। तो चलिए बात करते हैं कैमरा की ऑन द आईकू नियो 6। इसके अंदर आपको एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का इसका जो मेन लेंस है वो यहाँ मौजूद है, साथ में आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, और एक मोनोक्रोम लेंस भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ब्लैक एंड वाइट फोटोज के अंदर मदद करेगा। मैक्रो लेंस मौजूद नहीं है, ना ही कोई टेलीफोटो लेंस है। दो लेंस है, जो मेन लेंस है वो OIS को भी सपोर्ट करता है, मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जिससे आप शेकिंग कंडीशंस के अंदर बेटर आउटपुट पा सकते हैं। तो कुछ सैंपल्स फोटोज के अभी आपकी स्क्रीन पे। एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर भी यहाँ दिखाया है मेरे को, टेलीप्रॉम्प्टर कैमरा ऐप के अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। तो अगर अब मैं जैसे सेल्फी में यहाँ पे कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टेलीप्रॉम्प्टर स्क्रॉल एंड प्ले लाइंस व्हाइल रिकॉर्डिंग वीडियोस ट्यूटोरियल, द आइकन्स एट द बॉटम आर सेटिंग्स एंड एडिट प्रोजेक्ट, टैप एंड होल्ड बोथ साइड्स ऑफ द बॉटम एंड जूम इन ऑन द फ्लोटिंग विंडो, टैप एंड होल्ड मूव एट द टॉप टू ड्रैग द फ्लोटिंग विंडो। तो टेलीप्रॉम्प्टर का भी इनबिल्ट फीचर है कैमरा में, वेरी नाइस। गेमिंग की बात है, गेमिंग का ऊपर फोकस स्मार्टफोन है, तो बैटरी और चार्जिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। 4700mAh की इसके अंदर आपको बैटरी मिलती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, डिसेंट साइज़ है। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि 80W की फास्ट चार्जिंग के साथ ये फ़ोन आता है, जिसका है मतलब अराउंड 30 मिनट्स में फ़ोन पूरा चार्ज हो जाता है, एंड 12 मिनट्स के अराउंड में ये फ़ोन 50% तक चार्ज हो जाता है। तो गेमिंग के लिए आपको इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, ज़्यादा कोई टेंशन वहाँ पे नहीं है। गेमिंग के मामले में वेरी गुड।
सो ओवरऑल हमारे फर्स्ट इंप्रेशन कैसे रहे ऑफ द IQOO Neo 6? वेल इट्स टू अर्ली टू कम टू अ प्रॉपर वर्डिक्ट क्योंकि फोन को ज्यादा हमने यूज नहीं किया है, बट अभी तक जितनी गेमिंग और मल्टीटास्किंग मैंने इसके अंदर करी है कहीं पे भी मैं निराश नहीं हुआ हूँ। 120 हर्ट्ज की जो डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 870 जो प्रोसेसर है उसकी परफॉर्मेंस एकदम बेटर है, स्पेशली जब इसके इस डिस्प्ले के साथ वो पेयर हुआ है। एंड गेमिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप एक फ़ोन देख रहे हैं 30,000 रुपये का आपका प्राइस पॉइंट है, फास्ट चार्जिंग आपको चाहिए, एक हाई रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले चाहिए, एक डिसेंट आउटपुट वाला प्रोसेसर चाहिए एंड डिसेंट ही कैमरा चाहिए, सो IQOO Neo 6 सीम्स टू बी अ गुड ऑफरिंग। जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका एक डिटेल्ड रिव्यू और एक कंपैरिजन इसके ही सिस्टर कंसर्न या पेरेंट कंसर्न कंपनी के एक सिमिलरली प्राइस स्मार्टफोन से किया जाएगा, तो उसको देखने के लिए एंड वहाँ पे कुछ और बातें भी होंगी कि वीवो और IQOO कितना है फ़र्क और कहाँ पे क्या क्या चीज़ें और दोनों फ़ोन्स बेटर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें फुल रिव्यू के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। मैं हूँ अनुराग त्यागी, थैंक यू सो मच।